हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीआर वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम और आज हम साथ करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर फाइव फॉर द चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो आप होपफुली बेटा सब रिवाइज करके आए होगे जैसा कि मैम हमेशा पूछती हैं नहीं तो भैया निकल लो बिकॉज वी ट दी पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन दिस टॉपिक पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का बेसिक हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है एंड प्रैक्टिस शीट भी आपने सॉल्व कर ली होगी इस लेक्चर के साथ भी आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको जरूर करना क्वेश्चन के लिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो बचे रह गए थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा बेनिफिशियल भी हो सकते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो म्यूचुअलिज्म होता है एक को फायदा एक को कुछ भी नहीं कमसलिज्म होता है कंपटीशन रह गया था पैरासिटिज्म रह गया है प्रिडेशन रह गया है और एमेंसलिज्म रह गया है ये चार हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में आओ तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले बेटा दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है भली भाती सब जानते होंगे अब कॉम्पिटिशन के दो टाइप्स होते हैं तो कौन से दो टाइप्स होते हैं बेटा एक टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन जब सेम स्पीशीज के अंदर हो ठीक है कॉम्पिटिशन कैन टेक टू फॉर्म्स वन इट इज सेट टू बी इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या बोलते हैं बेटा इसको इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और दूसरा कहा जाता है बेटा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अब इंट्रा और इंटर में फर्क क्या है तो बच्चों सबको पता होगा इंटर का मतलब क्या होता है इंटर मींस बिटवीन और इंट्रा का मतलब क्या होता है विद इन दैट मीन्स अगर सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगी तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगी तो हम उसको इंटर स्पेसिफिक कहेंगे तो लेट्स राइट दिस क्या लिखना हमें कॉम्पिटिशन बिटवीन नॉट बिटवीन इंट्रा मीन्स विद इन कॉम्पिटिशन स्पीशीज ठीक है और इंटर का मतलब होता है बिटवीन तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्पीशीज आपने इवोल्यूशन पढ़ लिया होगा बेटा तो उसमें लिखा हुआ है कि डार्विन जी ने कन्विंस किया था ही वॉज कन्विंस दैट कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुई थी वो किस कंपटीशन की वजह से हुई थी बेटा एनसीआर पढ़ोगे इसी चैप्टर की तो लिखा हुआ है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन दिस वॉज दी दिस वॉज दी पोटेंट फोर्स पोटेंट मींस पोटेंशियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये बताने वाले कौन साइंटिस्ट थे बेटा इवोल्यूशन डार्विन जी ये लिखा हुआ है उसके बाद कंपटीशन दो प्रकार के रूप ले सकते हैं दे कैन टेक टू फॉर्म्स व्हाट आर द टू फॉर्म्स बेटा एक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और एक होता है कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा एक्सक्लूजन का मतलब होता है एलिमिनेशन किसका एलिमिनेशन होगा बेटा स्पीशीज का एलिमिनेशन होगा अब दो स्पीशीज जो आपस में लड़ रहे हैं ऑपस में जो कॉम्पीट कर रहे हैं जो बेहतर होगा वो सरवाइव करेगा जो बेहतर नहीं होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा आपको टेंथ क्लास से पढ़ाया जा रहा है बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिट है वो आगे जाएगा जो फिट नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा बेटा नेचर का यही रूल है तो कंपटीशन जब होता है तो एक ये हो सकता है कि जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाए तो जब इंफीरियर स्पीशीज कंपटीशन नहीं दे पाता है सुपीरियर को और सुपीरियर के प्रेजेंस में वो चला जाता है एक मर जाता है एलिमिनेट हो जाता है ये एलिमिनेशन ये एक्सक्लूशन क्यों हुई बेटा बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन किसने बताया था इसके बारे में बेटा एक साइंटिस्ट थे गॉस इसीलिए इसको गॉस प्रिंसिपल ऑफ गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी कहा जाता है अच्छा सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया था बेटा कि ऐसा होता है इसके प्रूफ्स हैं कॉम्पिटिशन वाले कॉम्पिटिशन की वजह से स्पीशीज एलिमिनेट हो जाते हैं इसके प्रूफ हैं वो प्रूफ हम पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीआर ने दिए हुए हैं इस चीज को बताने के लिए तो थ्री एग्जाम्पल्स आर देयर विल टेक वन बाय वन ठीक है तो इसको लिख लेते हैं वॉट इज दिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है प्रिंसिपल ये according to this principle according to gauss two closely related species two closely related species competing for same resource for same resource cannot have same niche अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं ये एक ही रिसोर्स पे फीड कर रहे हैं ठीक है दो इंसान है बेटा एक ही कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो कुर्सी तो एक ही किसी की हो सकती है ना दूसरा गायब हो जाएगा निकल लेगा सिमिलरली अगर दो स्पीशीज़ हैं एक ही खाना एक ही रिसोर्स पे वो फीड कर रहे हैं तो उनको वो एक जगह नहीं रहना चाहिए उनका एक हैबिटेट नहीं होना चाहिए नहीं तो अदरवाइज वॉट विल हैपन अगर वो एक जगह रहते हैं अदरवाइज इंफीरियर स्पीशीज़ इंफीरियर स्पीशीज गेट्स एलिमिनेटेड क्या आप लिख सकते हो इंपीरियर स्पीशीज गेट्स एक्सक्लूडेड क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर सकता वो फिट है ही नहीं रहने के लिए ठीक है इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन बेटा हर चीज रटने की जरूरत नहीं है आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आपको हिंदी में समझाया जाता है उसका आप अपने तरीके से आंसर बना करके लिख सकते हो बस पूछा जाए वही आंसर कर रहा है ठीक है नेक्स्ट क्या है कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस में बेटा एक वर्ड आ रहा है को एग्जिस्ट को मतलब साथ साथ एग्जिस्ट मतलब रहना तो जब ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह सकते हैं कंपटीशन को अवॉइड करके उसको कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस कहते हैं क्या हम रहते नहीं है बिल्कुल रहते हैं कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है इसके भी प्रूफ्स हैं ठीक है तो क्या है टू एनिमल्स आप क्या कह सकते हो टू स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट टूगेदर कैन को एग्जिस्ट टूगेदर बाय अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन बाय अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन अब ये कैसे कॉम्पिटिशन अवॉइड करते हैं कैसे एक साथ रहते हैं इसके लिए भी है ना तो सबसे पहले we will study what is competitive exclusion, समझ तो लिया है नाउ वी गो नग्जाम्पल्स तो हमारे यहाँ एन हमारी आर में कुछ एग्जांपल्स हैं सबसे पहले बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर टू सॉरी एग्जाम्पल नंबर वन के बारे में तो गौस जी जो थे वो काम कर रहे थे पैरामीशियम पर पैरामिशियम की दो स्पीशीज पर एक थी पैरामीशियम कॉडेटम और एक थी पैरामीशियम ऑरेलिया ठीक है तो अब बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लैब में दो पेट्री डिश थी बेटा कितनी पेट्री डिश थी दो पेट्री डिश वॉज देयर जैसा सेकेंड यस ओके सो एक पेट्री डिश में ही वॉज ग्रोइंग पैरामीशियम ऑरेलिया एंड जो नेक्स्ट पेट्री डिश थी बेटा पेट्री डिश बेटा समझ लो जिसमें माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है है ना एंड एक में ही वॉज ग्रोइंग पैरामीशियम कॉडेटम तो दो स्पीशीज थे पैरामीशियम के जब इनको अलग अलग कल्चर में ग्रो किया जा रहा था इनका हैबिटेट ये वाला प्लेट है इनका रहने का जगह ये वाला प्लेट है क्या इनका घर सेम है नहीं अपने अलग अलग घर में है अपने अलग अलग स्थान पर है इनका अलग अलग हैबिटेट है है ना अब यहाँ पर इसको ग्रो करने के लिए बेटा क्या दिया जा रहा था इसको ग्रो करने के लिए अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट इसको मिल रहा था इसका अपना स्पेस था कोई किसी और स्पीशीज का इंटरफेरेंस नहीं था यहाँ पे भी इसका अपना न्यूट्रिएंट इसको मिल रहा था जो खा खा करके ये ग्रोथ कर रहा था इसका अपना स्पेस था कोई और ऑर्गेनिज्म का इंटरफेरेंस नहीं था तो इन कंडीशंस पर वर शोइंग शोइंग मैक्सिमम ग्रोथ पॉडेटम का भी मैक्सिमम ग्रोथ हुआ क्योंकि कंपटीशन देने के लिए कोई है नहीं इसका भी क्या हुआ बेटा मैक्सिमम ग्रोथ हुआ लेकिन ये मैक्सिमम ग्रोथ कब हुआ व्हेन दे वर प्रेजेंट इंडिविजुअली व्हेन प्रेजेंट इंडिविजुअली है ना व्हेन प्रेजेंट इंडिविजुअली लेकिन होगा क्या अब गौस जी को ये बात रास तो आ नहीं रही थी कि कैसे इनका इतना अच्छा ग्रोथ हो पा रहा है अलग अलग क्यों ना जैसे होता है ना जब तक मूवी में मिर्च मसाला ना लगे मजा नहीं आता ठीक है उसी प्रकार से उनको भी मज़ा नहीं आ रहा था उनको भी थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करना था उनको भी लड़ाई करवानी थी है ना तो लड़ाई कैसे करवाया जब उठा करके एक ही कमरे में बंद कर दिया दो भाई बहन एक साथ एक कमरे में रहेंगे मम्मी पापा बाहर घूमने चले जाएं, क्या नज़ारे होते हैं सबको पता है ना कितना लड़ते हैं कितने सारे मीम्स बनते हैं सेम अब वह वही हाल होने वाला है ठीक है एक ही प्लेट लिया ठीक है एंड इन दिस प्लेट ओनली किसको किसको रख दिया बेटा पैरामीशियम कोडेटम भी इसी में था एंड पैरामीशियम ऑरेलिया भी इसी में था थ वर्क ग्रोन टूगेदर वर्क ग्रोन टूगेदर डेट मींस जो भी खाने को मिल रहा था न्यूट्रिएंट या जिस भी जगह पर वो रह रहे थे सब चीज के लिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था कंपटीशन, ठीक है ये भी कॉम्पीट कर रहा था ये भी कॉम्पीट कर रहा था तो कौन बेटर कॉम्पीट कर पाएगा जो इनफीरियर होगा या जो सुपीरियर होगा येस yes, बच्चों जो सुपीरियर होगा जो सुपीरियर होगा जो ज्यादा फिट होगा जो बेहतर कंपटीशन दे पाएगा वो रेस में बना रहेगा और बाकी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं रेस कंपटीशन तो सबको पता है ना बेटा जितना मेहनत करोगे जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे आप रेस में रहोगे अब जो पहले थक जाता है वो तो आउट ही हो जाता है ना रेस में सिमिलरली हुआ क्या यहां पर कि जो पैरामीशियम और है दे आर सुपीरियर स्पीशीज ठीक है इन्होंने भरपूर तरीके से न्यूट्रिएंट खाए भरपूर तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन किया इनका इनको कॉर्डेटम से इतना कुछ खासा असर नहीं पड़ा ठीक है तो ये तो सरवाइव कर गए बेड़ागर किसका हुआ पैरामीशियम कॉर्डेटम का सिंस देवर इंफीरियर अच्छा इन्फीरियर उनको कहा जाता है जो प्रॉपर कंपटीशन नहीं दे पाते हैं और लड़ाई में हार जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है इन्फीरियर स्पीशीज इनको इसलिए कहा जाता है देवर एलिमिनेटेड तो क्या हुआ इसमें जब दो स्पीशीज को दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक ही रिसोर्स के लिए एक ही स्पेस के लिए लड़ाई करते हुए देखा गया कंपटीशन शो करते हुए देखा गया तो किसने सरवाइव किया जो बेटर वन है जो बेटर वन को हम क्या कहते हैं सुपीरियर जो खराब है जो फाइट नहीं दे पाया जो एलिमिनेट हो गया उसको इन्फीरियर कहते हैं तो हो गई ना यहाँ पर कॉम्पिटिशन की वजह से एक्सक्लूशन दैट इज वाई इसको हम कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन कहते हैं आप कॉम्पिटेटिव एलिमिनेशन भी कह सकते हो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट देर इज सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको प्रूफ करेगा कि competition की वजह से एलिमिनेशन एक्सक्लूजन होते हैं ठीक है एक आइलैंड था बेटा सबको उसका नाम पता है गैला आइलैंड इवोल्यूशन में पढ़ा होगा क्या नाम है इसका गैला आइलैंड अब इस आइलैंड में क्या हुआ बेटा टोटोइले भाती रह रहे थे ठीक है तो अपना आपको पता है कछुए कितने स्लो होते हैं वो कछुए खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी है ना लेकिन यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सीज कहानी नहीं चल रहा है ठीक है अब होगा क्या टोटॉयज जब तक थे तो ग्रेस करते थे ग्रेजर थे वो अब जैसे बकरियाँ मतलब जैसे ही गोट्स इंट्रोड्यूस किए गए अब गोट्स भी बेटा ग्रास खाते हैं अब जो जितना बेहतर तरीके से ग्रास खाएगा वो उतना एफिशियंट होगा अपने काम में है ना तो जैसे ही गोट्स देवर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस आइलैंड जो टॉटॉय थे बहुत जमाने से जो वहां पर रह रहे थे देवर एलिमिनेटेड वाई बिकॉज गोट्स बेटर ग्रेजर्स थे उन्होंने अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दिया किसको? को को और टोटॉइज नहीं दे पाए तो जो नहीं दे पाएगा वो रेस से बाहर तो टॉटॉयज हो गए एलिमिनेट तो इन गैलापैगोज आइलैंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गोट एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड दी एबिंगडन टॉटॉय टॉटस हम तो अभी भी टॉटॉयस कहते हैं सब बहुत लोग टॉटस भी करते हैं जो कि सही माना जाता है बट तुमको लिखना है तुम जिस मर्जी से प्रोनाउंस कर लो ठीक है एज गोड्स वर बेटर ग्रेजर्स तो यहां पर टॉटॉइस क्यों टॉटस क्यों एलिमिनेट हुआ बेटा बिकॉज टोटस इंफीरियर था वो बेटर था ही नहीं तो सुपीरियर था वो सर्वाइव करेगा जो खराब है वो एलिमिनेट हो जाएगा तो दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल थ्री एग्जाम्पल थ्री में क्या है रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ठीक है जैसा एनसीआरटी में वर्ड लिखा हुआ है वैसा ही बताएंगे इन रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड देखो आपको सारी बातें मिलेंगी वहां पर दो बर्नाकल के स्पीशीज थे बर्नाकल मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इसके पहले क्लास से बेटा कमेंसलिज्म में ठीक है तो रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में दो प्रकार के बर्नाकल के स्पीशीज थे उसमें से ऑब्वियसली एक इंफीरियर होगा और एक सुपीरियर होगा ठीक है तो कहते हैं यहां पर एक सुपीरियर एक लार्जर बर्नाकल था जिसको हम कहते हैं बैलेनस ठीक है तो इन रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड देर वॉज प्रेजेंस ऑफ ऐसे लिखो बर्नाकल टू Closely related species of vernacle present. Ek tha larger and competitively superior that dominates in that dominates in intertidal area. जहाँ इंटर टाइडल एरिया था वहां पर ये दिखाई देता था लार्जर वाला और उसका नाम क्या था बैलेंस आपको जो मर्जी बोलना है बोल लो बेटा लिखना यही है ठीक है और दूसरा था स्मॉलर एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर, कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर। उस वाले बर्नाकल स्पीशीज का नाम क्या था कैथेमलस आप खुद सोचो बेटा आपको ऑलरेडी पता है कौन इंफीरियर है कंपटीशन के वाइज कौन सुपीरियर है कंपटीशन के वाइज अब ये दोनों एक ही जगह पर थे ठीक है तो जब दोनों एक ही जगह पर हैं जब इनका निश सेम हो गया तो कंपटीशन ये शो करेंगे तभी ऐसा कहा जाता है अगर दो क्लोज लेटेड स्पीशीज है तो भैया उनका अलग अलग निश रखो दूर दूर रहेंगे प्यार बना रहेगा है ना आजकल तो वैसे भी बोलते ना जो क्लोज वंस होते हैं वो भी कहते हैं बेटा दूर दूर रहो ठीक है घर में ही कहते हैं एक भाई वहां ले लो फ्लैट एक भाई वहां ले लो जितना दूर उतना रिश्ता प्यार बना रहेगा अब तो ऐसा सीना आ चुका है है ना <laughs> तो सेम यहाँ पर भी ऐसा अब नहीं नेचर में तो पहले से ही ऐसा था कि भैया दूर दूर रहो अपना अपना निश रखो अपना अपना हैबिटेट रखो अपना अपना खाना खाओ अपना अपना जॉब करो ठीक है जहाँ पास पास आओगे वहां पर कॉम्पिटिशन होगा ये नेचर का तो बहुत जमाने पहले से रूल है तो जब ये दोनों साथ साथ रहे इन्फीरियर कौन है बेटा ये वाला तो दिस गॉट एलिमिनेटेड ठीक है एलिमिनेशन क्यों हुआ होगा एवरी वन नोज इट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिश तो ये तीन एग्जाम्पल हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन के मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि जरूरी नहीं है कि हर स्पीशीज कॉम्पिटिशन ही शो करे अगर आप चाहते हो कॉम्पिटिशन अवॉइड करना तो को एग्जिस्ट भी कर सकते हो हम भी तो कितने भले बात एक साथ इतने लोग एक परिवार में रहते हैं कभी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके कभी एडजस्ट करके रहते हैं ना सब लड़ाइयां किसकी जगह नहीं होती तो नेचर भी कहता है यार ठीक है तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो अब नेचर लड़ाइया कैसे अवॉइड करें नेचर लड़ाइया अवॉइड कर सकता है बेटा अपने खाने को बांट करके जैसे घर में मैगी जब बनती है तो अच्छा खासा अच्छा एक एक नूडल्स का वो देखा जाता है कि किसके पास कितना एक्स्ट्रा है बच्चे लोग करते हैं बड़े लोग ऐसा नहीं करते है ना तो सबने किया होगा ठीक है तो अच्छे से खाना का बंटवारा करो रिसोर्स का अच्छे से पार्शनिंग करो पार्शनिंग मीन्स बंटवारा रिसोर्स की शेयरिंग करो या तो बेटा अपना अपना खाने का ही पैटर्न बदल लो अब टाइगर का खाने का कुछ और है ठीक है अब कोई और एलिफेंट है उसका खाने का अपना अलग अपना खाना ही अलग अलग कर लो ठीक है अब बर्ड्स होती है बर्ड्स की अगर चोच बदलता आती है तो उनका खाने का तरीका भी बदल जाता है तो अपने खाने को या तो शेयर कर लो या तो बंटवारा कर लो या खाने का टाइम बदल लो या खाने का पैटर्न बदल लो ये सब तरीके से तुम भले अच्छे से बेटा कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हो और एक साथ एक जगह पर को कर सकते हो ठीक है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस के फालतू का पेजेस को हटाओ पहले यस कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस में देखो क्या लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन को अवॉइड किया जा सकता है कैसे कर सकते हो रिसोर्स पार्शनिंग करके पार्शनिंग मीन्स बंटवारा रिसोर्स का बंटवारा करके या अपने रिसोर्स को शेयर कर लो जैसे घर में मैगी बनी है अगर सही तरीके से नहीं बांटोगे लड़ाई निश्चित है ठीक है उसके बाद या तो अपने खाने का टाइम बदल लो अब ठीक है अलग अलग टाइम पे खाओ अब जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म नॉक्टर्नल होते हैं कुछ डायर्नल होते हैं तो टाइमिंग्स अलग अलग होती है ना या अपने खाने का फोराजिंग चरने का तरीका बदल लो कोई ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है कोई ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है तो ये तरीका है बेटा एक जगह पर रहने का कॉम्पिटिशन अवॉइड करने का जैसे पाँच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वाब्लस बेटा बर्ड होती हैं ये एक ही जगह पर रहती हैं कंपटीशन शो नहीं करती क्योंकि इन्होंने अपना खाने का तरीका अलग अलग रखा हुआ है यह बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे मैक आर्थुन चलो ये आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा अब एक एग्जाम्पल जो आप ऐसा हो और सुनने वाले हो ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटिटिव को क्या होती है इवोल्यूशन पढ़ा होगा पढ़ लिया होगा नहीं पढ़ा है अभी तक तो जस्ट एक अपनी एनसीआरटी में इवोल्यूशन का चैप्टर खोल लो वहां पर चौदह बर्ड्स बनी हुई होंगे सर्कल में ठीक है वो चौदह बर्ड्स जो बनी ना फोर्टीन उनको बोलते हैं डार्विन फिंचज उनके बारे में डार्विन जी ने बताया था डारविन फिंचज बोलते हैं वो सारी की सारी फोर्टीन डार्विन फिंचज बेटा एक ही आइलैंड पर रहती थी जिसका नाम था गैलापैगोज आइलैंड एक ही आइलैंड पर वो बर्ड स्पीशीज रहने के बावजूद कोई कंपटीशन शो नहीं करती है क्यों क्योंकि तो वो 14 की 14 जो बर्ड्स होती है ना बेटा उनका जो चोंच है जब बीक है वो अलग अलग है और बीक का पैटर्न बदल जाता है बेटा तो खाने का तरीका भी बदल जाता है ना देखिए आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी पढ़ी होगी किसी के लंबे होते हैं तो लंबी सुराई में जाकर के अपना वो वीक इंसर्ट करते हैं देन दे टेक फूड ठीक है तो चोच बदलेगा बीक बदलेगा खाने का पैटर्न भी बदल जाएगा अब खाना ही अलग हो अलग अलग हो गया तो लड़ाई किस बात की लड़ाई भी खत्म है ना तो देखो लिखा हुआ है कि डार्विन फाउंड दैट कि 14 स्पीशीज ऑफ फिंचेस इन फिंचेस को डार्विन फिंचेस कहते हैं बेटा ये को एग्जिस्ट करी है गैलापेगोज आइलैंड में ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स और ये डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स क्यों आए बिकॉज सबके बीक के जो पैटर्न थे डिजाइन थे वो अलग थे अच्छा एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है बच्चे कहते हैं इसको भी लिखो बेटा इसको भी लिखूंगी तो एग्जैक्ट यही लिखूंगी मैं आधा अधूरा थोड़ी लिख दूंगी कि बस लिख दो फाइव रिलेटेड स्पीशीज ऑफ सेंटेंस को छोटा करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं छोटा कर दू, आधा पेट में रख लूँ अगर मैं लिखूंगी भी ना तो यही लिखूंगी एग्जैक्ट यही लिखूंगी बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं इसको इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकती तो बेटर है मैं टाइप्ड फॉर्म में ले आती हूँ ठीक है तो अगर जो चीज़ टाइप्ड होती ना वो ऑलरेडी मेरे नोट्स है जो मैं टाइप करवाती हूँ ऐसा नहीं कि मैं पैराग्राफ्स लाती हूँ आई डोंट पैराग्राफ्स राइटिंग इसलिए आपको ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा तभी आप अपने कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस के एग्जाम्पल को सपोर्ट कर पाओगे जब क्वेश्चन आएगा तो इससे इसे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है तो प्लीज अभी आप समझा करो ठीक है अभी टाइम है नोट्स बना लिया करो आफ्टर द क्लास नोट्स आपको पीडीएफ मिलते हैं ना यू कैन मेक योर नोट्स आफ्टर द क्लास तो आप जब पढ़ रहे होते हो तो फोकस ऑन योर स्टडीज देन डोंट कंप्लेन मैम टाइप पिखा करो बेटा जो भी है दो, जैसे अभी मैंने लिख के पढ़ा है, वो आपके ही भले के लिए जहाँ मुझे लगता है थ्योरी है लिखा हुआ होना चाहिए टाइम सेव होगा मेरा और आपका भी तो वहां पर वो बेटर है तो जो भी आपको मिलता है ना टू नॉट स्टार्ट कंप्लेनिंग ठीक है आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए ओके okay? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा कि कंपटीशन को अवॉइड भी किया जा सकता है और कॉम्पिटिशन हो भी सकता है ठीक है अब हमें ऐसा लगता है कॉम्पिटिशन सिर्फ वही होता है जहां पर रिसोर्स लिमिटेड है आपको पता है सीट्स लिमिटेड है पढ़ोगे नहीं तो कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे और घर बैठ जाओगे है ना ऐसा भी होता है बट बेटा कंपटीशन स्कूल लेवल पे भी तो होता है ठीक है आपके क्लास में भी आपको उस टाइम पे कोई एग्जाम uh, क्वालिफाई नहीं करना है क्लास में जब होता है तो भी तो कंपटीशन होता है ना कौन वन आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है कौन थर्ड आ रहा है उस टाइम पे ये थोड़ी देखना है कि आपको नीट निकालना है छोटे क्लासेस में भी तो बच्चे करते हैं ना कंपटीशन एक दूसरे से शो करते हैं है ना तो कंपटीशन एनसीईआरटी uh, लिखती है जरूरी नहीं है नेचर में तभी हो जब हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्स में भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक जंगल है और उस जंगल में डियर है और टाइगर है जो एरिया में अब डियर को पता है बेटा उसके खाने के लिए भरपूर सामान मौजूद है है ना कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा उसको फटाफट -पट उसी टाइम पे जाकर के खाना है बट फिर भी वो डियर उस अनलिमिटेड रिसोर्स को भरपूर तरीके से एक्सप्लोयड यूज नहीं कर पा रहा है पता है क्यों क्योंकि वो उसको पता है कि जंगल का राजा उसके आसपास ही घूम रहा है टाइगर वही है तो उस डर के अभाव में उस स्पीशीज के प्रेजेंस की वजह से वो कंप्लीटली उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रहा ये जो डर है उसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहा वो उसको खा भी नहीं रहा है बट उसकी प्रेजेंस ही काफी है डियर के फीडिंग एफिशिएंसी को कम करने के लिए तो ये जो कंपटीशन है ना ये भी एक तरीके की कंपटीशन है किसी दूसरे स्पीशीज की प्रेजेंस इंटरफेयर कर रही है और आपको सही तरीके से उस अनलिमिटेड रिसोर्स को खाने नहीं, दे रही, ये एक नहीं नहीं थोड़ा सा डालो थोड़ा से डालो है ना तो ऐसा होता है ना जैसे बचपन में मैंने शायद बहुत पहले भी एग्जाम्पल्स दिया होगा कि यार मम्मी लोग जब हम बचपन में होते ना तो सिखाते हैं कि कहीं जाना है तो ऐसे नहीं कि प्लेट और कटोरी में आई नमकीन और बिस्किट तो पूरा अपने अल्ती पल्ती मार करके बैठ जाओ और खाने लगो मार पड़ती थी सबके साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ भी हुआ है बेटा घर पर बहुत मार पड़ी है क्योंकि तो बच्चे तो मन के सच्चे अब आया है मनपसंद का बिस्किट तो बैठ के खाएंगे नमकीन खाएंगे पूरा खा जाएंगे जब तक खत्म नहीं होगा ठीक है तो मम्मी बताती थी नहीं पहले अगर कोई पूछे तो मना करना है नहीं खाना दूसरी बार कोई पूछे तो भी नहीं खाना अब बच्चों को मन में ऐसा लगता था कि अच्छा तीसरी बार फिर पूछे ही ना तो ठीक है तो बच्चे तो बेटा खा लेते थे है ना लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए हो थोड़े से तुम लोग शर्माते हो कुछ हेजिटेट भी करते हो कर। शायद कुछ नहीं भी करते हो अब जैसे अब तुम्हारी मैडम इतना नहीं करती ठीक है शायद अब तुम भी नहीं करते हो लेकिन अब अभी तुम इतने ट्रांजिशन फेज में शायद थोड़ा शर्मोशर्मी करते हो तो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो फॉर एग्जाम्पल या पड़ोस में कहीं पर गए हो डिनर पर इन्वाइटेड हो ठीक है

डियर को पता था कि टाइगर है वहां पर तो वो खा नहीं पा रहा था खा नहीं पाएगा तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा लेकिन मैं अगर उसके कॉम्पिटिशन को वहां से हटा दू ठीक है एक्सपेरिमेंटली उठा करके पटक दू कहीं और तो डियर तो खुश कि उसका कॉम्पिटिशन गया मस्त खाता जाएगा खाता जाएगा और रिप्रोड्यूस करता जाएगा तो जब कंपटीशन को हटा दिया जाता है तो देखा जाता है जो इन्फीरियर स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है उस जगह पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जब कंपटीशन हटा करके इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हो इस फिनोमिना को कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं तो हमने दो टॉपिक समझा एक कॉम्पिटिटिव रिलीज समझा और एक इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन समझा तो दिस इज डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा तो लिख दोगे कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है बेटा रिलीज ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन का हटाना तो क्या होता है जब कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज जब उसके सुपीरियर कंपटीशन को रिलीज या रिमूव कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया से इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या बताया था किसी और प्रेजेंस किसी और ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस इंटरफेयर करती है उनके खाने की एफिशिएंसी के साथ तो देखो क्या लिखा हुआ है फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ एक स्पीशीज का कम हो जाता है ड्यू टू इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज जैसे डियर की एफिशिएंसी कम हो सकती है टाइगर के प्रेजेंस में तो ये दो टॉपिक भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप पढ़ना सब कुछ पढ़ा दिया है एनसीईआरटी का अब कंपटीशन ऐसा कहते थे कि हमेशा टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में हो सकता है ठीक है पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम ऑरेलिया ठीक है बट ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा ही क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में हो ये दो अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है जैसे साउथ अमेरिकन लेक्स में होती हैं जो एक प्रकार की बर्ड है बेटा और उस लेक में जैसे आपने देखा होगा ना जो बर्ड्स हैं वो लेक्स में जा जा के कुछ चीज को ढूंढती तो क्या ढूंढती है बेटा वो अपने खाने का सामान ही ढूंढ रही है कुछ कुछ बर्ड्स मछलियां चुन 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 के खाती हैं ठीक है थीके? या कुछ कुछ बर्ड्स जू प्लांट पे फीड करती हैं अब उस लेक में उस लेक के अराउंड साउथ अमेरिकन लेक्स में तो एक बर्ड घूमती हुई मंडराती हुई नजर आती है और उस लेक में एक मछली है अब मछली एक अलग ग्रुप है एक अलग फाइलम है और बर्ड्स का एक अपना अलग ग्रुप होता है क्या ये दोनों रिलेटेड स्पीशीज है आप बोलोगे नहीं मैम कैसे हो सकते हैं डेफिनेटली एक आसमान में उड़ रहे हैं एक पानी में है दोनों का अपना अपना सब कुछ अलग है बट फिर भी इनको भूख एक ही चीज की है इनका मन पसंदीदा जो खाना है वो जू प्लैंगटॉन ही है तो ये दोनों जू प्लैंगटॉन को ही फीड करती है और इन दोनों में कंपटीशन दिखने को मिलता है लड़ाई देखने को मिलती है तो दे आर रिलेटेड स्पीशीज नहीं या दे आर टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज बट ये दोनों को भी कंपटीशन करते हुए देखा गया है फॉर द सेम फूड इन दैट एरिया ज़रूरी नहीं है कॉम्पिटिशन कैन एग्जिस्ट ओनली इन टू अनरिलेटेड स्पीशीज सॉरी रिलेटेड स्पीशीज़ ये अनरिलेटेड स्पीशीज में भी देखने को मिलती है तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन जो हमने निकाला कि जो कंपटीशन है बेटा ये क्लोजली और अनरिलेटेड दोनों स्पीशीज़ में हो सकती है कंपटीशन की वजह से एक्सक्लूजन भी हो सकता है कॉम्पटिशन को अवॉइड भी किया जा सकता है और कंपटीशन तब हो सकता है जब रिसोर्स लिमिटेड हो या तब भी हो सकता है जब अनलिमिटेड हो अनलिमिटेड वाले में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन वाला ठीक है आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जिसका नाम है प्रिडेशन प्रिडेशन तो बेटा आप जाते हो बचपन में भी पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में अब टाइगर डियर को खा जाता है ईगल सांप को खा जाता है वल्चर वगैरह सांप फ्रॉग को खा जाते हैं फ्रॉग ग्रास ऑपर को खा जाता है ये आपने देखा भी होगा नेशनल जोग्राफिक चैनल्स वगैरह में किस तरीके से एक जो प्रिडेटर है जो खाता है वो कैसे अपने प्रे स्पीशीज को कैच करता है टाइगर को भगाते हुए दिखाया होगा डिस्कवरी के चैनल पर तो वो जो प्रक्रिया है ना खाने की ठीक है जो सुपीरियर स्पीशीज हम इन्फीरियर को खा जाते हैं उसको प्रिडेशन ही कहते हैं तो जो स्पीशीज इसमें एक ही स्पीशीज को फायदा हो रहा है बेटा जो खा रहा है जिसका पेट की जो भूख है वो मिट रही है उसको तो बेटा फायदा मिल रहा है और जिसका शिकार हो रहा है उसको तो नुकसान है ना तो इट इज प्लस माइनस जो खा रहा है वो प्रिडेटर है जिसका शिकार बन रहा है वो प्रे है जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो लिखा हुआ है अब टाइगर डियर को खा रहा है तो टाइगर ले लो गोट फॉर एग्जाम्पल गोट ले लो ग्रास ले लो, ये सारे एनिमल्स है ये प्रीडेटर किसको खाते हैं जितने भी हबीबोरस एनिमल्स हैं ये प्लांट्स को खाते हैं तो जो खा खाना जो बन रहा है वो प्रे जो खा रहा है वो प्रिडेटर आप ये एक प्रकार का क्या है बेटा वॉट इज द बेनिफिट अब आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि मैम वो तो उसको खा जा रहा है उसकी जान चली जा रही बट प्रडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है नेचर में वो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले एंड माइंड माई दिस वर्ड बेटा एन में इतने बेटर तरीके से दिया सब कुछ है आप पढ़ना आपको सारी एनसीआर टी की लाइन्स मिल जाएंगे जो हमने डिस्कस कर लिए बट एवरी थिंग इज इन दैराग्राफ तो वॉट वी हैव डन वी हैव है इन द सिंप्लीफाइड वर्जन इन द पॉइंट्स ठीक है तो ये बेटर तरीका होता है अब प्रिडेशन में भी आप देखोगे जो भी इम्पोर्टेंस है प्रिडेशन का वो भी पैराग्राफ्स में है बट मैं आपको पैराग्राफ्स भी रीड करा दूंगी जो लाइंस है और मैं आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिखाऊंगी ठीक है तो जब लिखोगे तो पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे लिखना वही चीज है बट पॉइंट्स के फॉर्म में तो देखो प्रिडेशन प्रिडेटर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सबसे पहला क्या रोल है कि ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को बेटा अगर एक जानवर दूसरे जानवर से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या ठीक है एक दूसरे को खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है प्लांट्स को कौन खा जाता है बेटा प्लांट्स को खा जाते हैं ग्रास हॉपर ग्रास को कौन खाता है बेटा फ्रॉग फ्रॉग को किसको खिला दो स्नेक को को किसको खिला दो ईगल को या वल्चर को या हॉक्स जो भी मन है आप लिख सकते हो लार्जर बर्ड्स लिख लेना तो ये क्या है बेटा ये एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया है जिसको छोटी क्लासेस में तुमने फूड चेन बोला होगा ठीक है तो ट्रॉफिक मतलब क्या होता है बेटा ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा न्यूट्रिशन तो ये जो एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया है वो क्यों चल रही है न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिशन लेने के लिए तो ये सबसे पहला लेवल है तो इसको ट्रॉफिक लेवल वन कहते हैं इसको ट्रॉफिक लेवल टू कहते हैं इसको ट्रॉफिक लेवल थ्री कहते हैं इसको ट्रॉफिक लेवल फोर कहते हैं इसको ट्रॉफिक लेवल फाइव कहते हैं ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो तो ये जो फूड चेन हमारी इकोसिस्टम में चलती है इसमें जितने लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं उन लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं और ये जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाता जाता है तो इसकी एनर्जी इस ट्रांसफ़र फिर इससे यहाँ तक इससे यहाँ जाती है इससे यहाँ जाती है तो अगर ये दूसरे को खाएंगे नहीं तो ये एनर्जी का फ्लो नहीं चलता है तो फ्लो ऑफ एनर्जी को मेनटेन रखने के लिए इन द इको सिस्टम प्रिडेशन बहुत ज़रूरी है प्रिडेटर्स होना एकोसस्टम में बहुत ज़रूरी है

टेम्प्रेरी टाइम के लिए तो आपको अच्छा लगेगा वो इंसेक्ट मर गया बट लॉन्ग टाइम के लिए उस पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट वो छोड़ करके जाता है है ना सॉइल वगैरह कितने खराब हो सकते हैं फर्टिलिटी जा सकती है उड़ सकती है ठीक है प्लांट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं इसीलिए आपको बताया था इन केमिकल्स का इस्तेमाल ना करके बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए हमें एक जानवर को ही छोड़ देना चाहिए दूसरे स्पीशीज को खाने के लिए पढ़ाया था ना कि गैम्बूसिया फिश होती है बेटा पानी में छोड़ दो तो पानी में ही रहती है वैसे छोड़ना क्या है गैम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप वाटर में वो मॉस्किटो को खा सकती है आपको मॉस्किटो के लिए कोई केमिकल नहीं छिड़कना पड़ा कोई छिड़काव नहीं करना पड़ा केमिकल का एक बायोलॉजिकल स्पीशीज ने ही दूसरे स्पीशीज को खा लिया इस प्रकार के प्रिडेशन प्रडेशन का ही तो तरीका है तो प्रिडेशन का इस्तेमाल करके आप ऐसे स्पीशीज के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो अदरवाइज नहीं तो मच्छरों की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है कि कहां, कहां तो और कितना नुकसान पहुंच सकता है हमारी जान को है ना सिमिलरली तो मैंने एग्जाम्पल दिया था एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना है तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है प्रिडेशन क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल मेथड है इसमें तुम कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का ग्रेजलैंड था मैं आपको रीड भी कराऊंगी एनसीआरटी इन रेंज लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रासलैंड कहते हैं बेटा इसको ये समझ लेना इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस क्रिएटेड है पता नहीं न जाने कहां से बेटा एक प्रिकली पियर कैक्टस कैक्टस की एक वराइटी इंट्रोड्यूस हो गई और ये जा ही नहीं रही थी खत्म ही नहीं हो रहा था या तो इसको मारने के लिए कोई छिड़काव करते ठीक है लेकिन आपको पता है केमिकल्स इंट्रोड्यूस करोगे तो इट इज गोइंग टू लीव सम और द अदर इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम दिस वॉज ब्रॉट दिस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल अंडर कंट्रोल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैक्टस फीडिंग मौत इन्होंने मौत छोड़ दिया मौत एक प्रकार का इंसेक्ट होता है बेटा अब यह मौत क्या करता था इत, कैक्टस के स्पीशीज को खा गया नेचुरली खा गया और खाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ब्रिडेटर तो जो खाता है ये खा रहा है तो ये क्या हो गया प्रिडेटर हो गया इसने खाया किसको इसने खाया इस प्रिकली पियर कैक्टस को तो ये क्या हो गया प्रे हो गया तो इस तरीके से ये जो प्रे स्पीशीज इसने तबाही मचा रखी थी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे ग्रो करता ही चला जा रहा था जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो कर रहा था उसको भी तुम कंट्रोल कर गए विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल जस्ट किसको इस्तेमाल किया प्रेडेशन की टेक्निक को किसको इस्तेमाल किया एक बायोलॉजिकल मेथड वाले तरीके को जिसमें तुमने सिर्फ क्या किया इस कीड़े को छोड़ दिया इसने इसको खा लिया कंट्रोल हो गया ना तो इस प्रिकली पियर कैक्टस जो कि एक प्रे है इसके पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए भी तुम्हें प्रिडेटर्स की मदद ले सकते हो ये भी एक तरीका है दूसरा है प्रेडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हो हुआ क्या था बेटा पैसिफिक uh, कोस्ट के इंटर टाइडल एरिया में ऐसा एनसीआरटी लिखती मैं भी रीड कराऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडेटर रहता था इन पैसिफिक कोस्ट या अराउंड पैसिफिक कोस्ट पैसिफिक कोस्ट देर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ कहानी सुन लो फिर रीड कर देंगे देर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडेटर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडेटर जिसका नाम था बेटा डिजास्टर, डिजास्टर उस प्रिडेटर का नाम था डिजास्टर बेटा एक तरीके के स्टारफिश होते हैं ठीक है अब ये प्रिडेटर डिजास्टर क्या एक बेटा प्रिडेटर है दैट मींस वहाँ पर वो प्रिडेशन शो करता होगा दैट मींस वो वहाँ के प्रे स्पीशीज को खाता होगा लेकिन किया क्या गया इस प्रिडेटर को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया गया ये जानने के लिए कि अगर आप एरिया के प्रिडेटर्स को हटाते हो तो क्या होगा अगर उस एरिया से प्रिडेटर को रिमूव कर दोगे तो जिसपे ये खाते थे जिसको ये खाते थे उनको खाने वाला कोई है ही नहीं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला है ही नहीं उन प्रे स्पीशीज की संख्या बढ़ती ही चले जाएगी उनको पता चल जाएगा खाने वाला तो है नहीं बट तो वो क्या करेंगे वो खाएंगे रिप्रोड्यूस करेंगे खाएंगे रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी संख्या बढ़ा लेंगे अब अपनी संख्या बढ़ाने से क्या होगा एक टाइम में ही कंपटीशन होने लगेगा खाने के लिए स्पेस के लिए तो ऐसा देखा गया कि जब उस एरिया से स्टार फिश को रिमूव किया गया इस इंपॉर्टेंट को रिमूव किया गया तो 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स के स्पीशीज वहां से एलिमिनेट होते बने क्यों क्योंकि आपस में ही लड़ मर गए इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन उनमें ही हो गया तो अगर ब्रिडेटर रहता तो क्या ये नौबत आने देता नहीं आने देता क्योंकि वो उनको खाता रहता उनकी संख्या कभी इतनी बढ़ती नहीं तो एक ये भी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये रहता तो वो दस से ज़्यादा स्पीशीज़ जो वर्टिब्रेट्स के एलिमिनेट हुए वो एलिमिनेट नहीं हो पाते और हमारे इको की हमारे उस जगह की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो मेनटेन रहती अब देखो मैंने आपको समझा दिया ना सिंप्लीफाई करके अब मैं आपको रीड भी करा देती हूँ तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड्स एक्टिंग एज कॉन्ड्यूट कॉन्ड्यूट मतलब कंडक्शन तो प्रिडेशन क्या करते हैं बेटा प्रिडेशन प्रिडेटर्स कंडक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रॉफिक लेवल इसके अलावा भी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं जैसे सबसे पहला पॉइंट ये हो गया जैसे ये अपनी प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं देखो लिखा हुआ है ना बट पैराग्राफ में लिखा हुआ आपको पॉइंट वाइज में लिखना है अगर प्रिडेशन की इंपॉर्टेंस पूछी जाए इसके लिए देखो एग्जाम्पल क्या दिखा हुआ है कि प्रे स्पीशीज जब अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं और इकोसिस्टम को अनस्टेबल बना लेते हैं तो क्या करना चाहिए जोग्राफिकल एरिया दे बिकेम इन्वेसिव इन्वेसिव मतलब ये जो प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस हुआ था ये कब्जा जमाने लगा पूरे के पूरे लैंड पर ऑस्ट्रेलिया में अब इनको कंट्रोल में लाना था ठीक है तो क्या करने किया गया इन्वेसिव का इन्होंने एक्सप्लेन किया दे बिकम इन्वेसिव और बहुत जल्दी फैलने लगे ठीक है बिकॉज द इन्वेडेड लैंड नॉट नॉट हैव इट्स नेचुरल क्योंकि वहाँ पर इस कैक्टस को खाने के लिए कोई भी नहीं था ना कोई जानवर था क्योंकि एक्सॉक्टिक थे ये इन्वेसिव थे ये बाहर से आए थे उस जगह के ही नहीं थे अब घास उस जगह की है तो वो गाय आएगी उसको खा जाएगी क्योंकि उसको पता ही है उसकी फेवरेट घास है ठीक है, बट ये वाले को तो कोई खाने वाला ही नहीं था इसलिए इनकी संख्या बढ़ती चली गई ठीक है तो क्या किया गया ये जब ऑस्ट्रेलिया में इन उन्नीस ऑफ रेंज लैंड ठीक है फाइनलीसिव कैक्टस को अंडर कंट्रोल लाया गया बाई इंट्रोड्यूसिंग अ कैक्टस फीडिंग प्रिडेटर जो कि क्या होता है एक मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट इसको कहीं और से ला करके उस जगह ला करके छोड़ा गया ठीक है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को एडॉप्ट किया गया एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल ठीक है आर बेस्ड ऑन दबिलिटी ऑफ द प्रिडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन तो इस पे बेस पर बेस्ड था बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड पर प्रिडेटर्स आर ऑल्सो हेल्प अब यह तीसरा लिखा हुआ है प्रिडेटर्स ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंसिटी इन कम्युनिटी अब इस तीसरे का सिग्निफिकेंस बताने के लिए देखो कौन सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये प्रिडेटर्स करते क्या है ये एक जगह पर रह करके जो कॉम्पिटिशन होता है अमंग प्रे स्पीशीज उसको रिड्यूस करते क्योंकि प्रे को ये खाते रहते हैं तो प्रे की संख्या इतनी बढ़ती नहीं तो उनके में कॉम्पिटिशन इतना इंक्रीज नहीं होता तो इस तरीके से ये उनके बीच का कॉम्पिटिशन कम करते हैं लेकिन अगर ये खुद ही गायब हो जाए तो कोई क्या कर लेगा ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ इन द रॉकी इंटर टाइडल कम्युनिटी बहुत अच्छी थी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सारे के सारे स्टार फिश को वहां से रिमूव कर लिया गया तो देखा गया मोर देन टेन स्पीशीज ऑफ वर्टिब्रेड बिकेम एक्सटिंक्ट परमानेंटली विद इन ईयर क्यों हुआ क्योंकि उनके स्पीशीज ऑफ के बीच में क्या हुआ इंटर स्पेसिफिक तो है, है ना तो ऑर्गेनिजम्स भी बड़े चलाक हो गए बेटा बड़े शातिर हो गए इन्होंने बड़े सारे मैकेनिज्म अपना लिए हैं उनसे बचने के लिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो सबसे पहले देखो हम पढ़ने वाले हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रिडेशन सबसे पहला लिखा हुआ है कि जो प्रिडेटर्स होते हैं ना देर वेरी प्रूडेंट तो तुम लोगों ने बहुत सारे वेरी चलाक ब्रो वेरी चलाक ठीक है बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे बिग बॉस देखते होंगे या कभी फेसबुक स्ट्रॉल किया होगा तो वेरी चलाक ब्रो वेरी चलाक तो प्रिडेटर्स देर ऑल्सो वेरी चलाक ब्रो वेरी चलाक यू नो वाई बिकॉज इतने चलाक हैं इसीलिए उनके लिए वर्ड यूज किया गया है प्रूडेंट प्रूडेंट मीन्स शातिर प्रूडेंट मीन्स चलाक प्रूडेंट मीन्स होशियार ठीक है वाई दे आर चतुर चलाक बिकॉज ये अपने प्रे स्पीशीज को कभी ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करते जैसे मान लो शेर है सोचेगा यार सारा आज बहुत भूख लगी सारे सारे डियर खा जाता हो बेटा अगर वो एक दिन में ही डियर खा जाएगा उस एरिया का अगले दिन उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा अरे कुछ तो छोड़ दो सो वापस में रिप्रोड्यूस करें कुछ तो हो जैसे उनका नंबर जनरेशन आगे बढ़े तो तुम सारा खा करके एक दिन बैठ जाओगे तो उनको पता है वो खुद ही मर जाने वाले हैं एक दिन तो so, इतने एफिशिएंट होते हैं दे आर टू एफिशिएंट दे नेवर ओवर एक्सप्लॉयट दे आर नॉट ऐसे लिखो कंफ्यूज हो गए दे नेवर ओवर एक्सप्लॉयट नेवर ओवर एक्सप्लोयडीज क्योंकि प्रे स्पीशीज अगर एलिमिनेट हो गया ना उनको पता है वो एक दिन खुद चलते बनेंगे इस दुनिया से तो दैट इज वाइन को प्रूडेंट स्मार्ट कहा गया है प्रूडेंट मीन स्मार्ट इंटेलिजेंट ठीक है अब दूसरा क्या है बेटा आपको पता है नेचर में तो इन इनको भी पता है कि प्रिडेशन नाम की चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करते हैं अपने आप को उससे बचाने के लिए कुछ प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं एनिमल्स भी और प्लांट्स भी ये प्लांट्स के पास जो काटे हैं बेटा ये अपने आप को बचाने के लिए तो हैं तो पहले एनिमल्स का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं प्रे के पास प्रिडेटर से बचने के लिए तो इस प्रकार एक ये जो डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास है ना ये एक प्रकार की अडेप्टेशन है जो इनमें दिखाई देती है अपने आप को प्रिडेशन से बचाने के लिए कि प्रिडेटर उनको पहचान ही ना पाए तो अपना रूप ही बदल लो इसे दिखाता रहता है ना कि प्लास्टिक सर्जरी करा लो चेहरा ही बदल लो मुँखटा लगा लो मास्क लगा लो तो नो बड़ी विल बी एबल टू तो आइडेंटिफाई ठीक है जैसे ये जो ये जो क्राइम सीन्स आपने देखते हो ठीक है ये जो सी लग जाती है कोई बहुत बड़ा क्राइम है तो ये ऐसा करते हैं ठीक है आप थोड़ा तो मूवीज में ऐसा ज्यादा ही दिखाता है बट एनीवेज तो एनिमल्स क्या शो करते हैं बेटा कैमोफ्लाज कैमोफ्लाज क्या होता है सबको पता होगा गिरगिट कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहा हो सब ने सुना होगा तो गिरगिट रंग बदलती है क्यों रंग बदलती है वो जिस जगह पर रहती है जिस एनवायरमेंट में रहती है उसके हिसाब से अपने रंग को चेंज कर लेती है बॉडी के कलर को चेंज कर लेती है अगर वो पेड़ पर है तो पेड़ जैसा रंग ले लेगी लीफ पर है तो लीफ जैसा रंग ले लेगी सॉइल पर है तो सॉइल जैसा रंग ले लेगी डिपेंड करेगा जैसे जैसा इन्वायरमेंट का रंग बदलेगा उसका भी रंग बदल जाता है तो कोई उसको पहचान ही नहीं पाता ये एक प्रकार का कैमोफ्लाज है ठीक है इस मेकानिज्म को कैमोफ्लाज कहते हैं तो इस कैमोफ्लाज में क्या होता है फिशीज ऐसे लिखो क्रिप्टिक कलर क्रिप्टिक अपियरेंस ऑफ स्पीशीज विथ रिस्पेक्ट टू द दिनवायरमेंट क्रिप्टिक मतलब कलर होता है बेटा तो इनका जो कलर वाला अपीयरेंस है वो चेंज होता रहता है जिस प्रकार का तुम्हारा एनवायरमेंट हो इतने सुंदर एग्जाम्पल्स है ना बेटा तुम बस गूगल करके एक बार डाल लो तुम्हें इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे कि तुम थक जाओगे और इतने अमेज हो जाओगे कि यार उसमें तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा कि पेड़ कौन सा है और जानवर कौन सा है इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि मैं सारे एग्जाम्पल्स ला भी नहीं पाई तुम्हें दिखाने के लिए बट तुम खुद देखना यू विल बी अमेजड जो ये जो कीड़े होते हैं ना ये पता है ऐसे अपने आप को बना लेते हैं कि जैसे कोई फ्लावर हो तो दूसरे स्पीशीज को लगेगा ये फ्लावर है बट एक्चुअली में वो कीड़े होते हैं इतना बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कैमो का एक बार जस्ट गूगल कर लेना बिकॉज मैं तुम्हें शायद सारे एग्जाम्पल ना देख पाऊ बट तुम खुद से देख सकते हो तो यहां पर देखो देखने में ऐसा लग रहा है पत्ता है बड़ी बिल्कुल भी पत्ता नहीं है ये एक जानवर है जिसने अपने आप को फ्लैच किया है इन्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर भी देखोगे तो तुम्हें जानवर दिखाई देगा एक ठीक है इसमें आंखें तुम्हें दिखाई दे रही होंगी है ना ये देखो उल्लू जैसी बट अगर मैं मैं ना पास से देख रही थी तो मैं दिखाने के लिए मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा था मैं थोड़ा दूर गई तो हाँ मुझे दिख रहा है तो तुम्हें दिख रहा होगा केमो फ्लैच ये देखो सांप शायद किसी का भी फेवरेट नहीं होगा मैं हूँ स्नेक फोबिक बहुत सारे होंगे स्नेक फोबिक ठीक है तो अगर ऐसे छुपा रहे है बेटा तो हम भाग भी नहीं सकते हैं पत्तों वाला ही कलर ले लिया दिस इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई ठीक है यहाँ पर भी देखो दिस इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई बाघ का ही कलर दे रखा है तो इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स होते हैं और इस तरीके से कितने चलाक हैं ये भी कम चलाक नहीं बेटा अगर प्रिडेटर इतना शातिर है तो ये भी कम चलाक नहीं इनके पास भी डाप्टेशन है प्रीडेटर से, से बच के रहने के लिए ठीक है नेक्स्ट केमिकल डिफेंस केमिकल डिफेंस का मतलब क्या होता है बेटा अपने पास ऐसा केमिकल रख लो ठीक है जैसे मोनार्क बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई बहुत डिस्टेस्टफुल होती है ठीक है जिसका स्वाद नहीं इसको खाना कौन पसंद करेगा और हम में से कितने लोग हैं जिनको करेला बाय डिफॉल्ट पसंद है ठीक है जैसे आई लाइक like करेला ठीक है वो क्रिस्पी वाले जो होते हैं ना लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद होगा और करेला का जूस तो कौन नहीं पसंद कर रहा होगा तुम्हें किसका जूस पसंद होगा तुम्हें जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स है ना उनके जूसेस पीना पसंद होंगे ये पालक के ये कुकुम्बर के ये तुम्हारे क्या कहते हैं करेले के तुम्हें नहीं पसंद होंगे जिसका स्वाद नहीं तुम कैसे खा सकते हो सिमिलरली कुछ एनिमल्स भी बेस्वादा होते हैं बेटा कोई स्वाद नहीं होता उनमें और खासकर उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उनका टेस्ट जिस टेस्ट बना लेते हैं जैसे मोनार्क बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को, को कोई खाना पसंद नहीं करता स्वाद ही नहीं है ठीक है तो बटरफ्लाई वाली स्टेज बचपन में पढ़ते हो ना कि लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्ल बटरफ्लाई तो उसमें कैटरपिलर वाली स्टेज आती है जब वो बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर वाले स्टेज में होती है ना तो वो एक ऐसा वीड खा लेती है ठीक है से उसको वो डिसनेस मतलब उसको वो टेस्ट मिलता है जब वो अपने कैटरपिलर वाले स्टेज में होते ठीक है ऐसा वो एक सीड खा लेती तो आप देखो क्या लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल क्या है मोनार्क बटरफ्लाई इज अभी जब एनसीआर टी रीड कराऊंगी तो वहां वाली पॉइंट आपको लिखना होगा अपने नोट्स में और अपने जब क्वेश्चन आएगा तब ठीक है देयर फोर अवॉयडेड बाय प्रिडेटर अवॉयडेड बाय प्रिडेटर डिस्टेस्टफुलनेस भी हो सकता है वन ऑफ द रीजन उसके बाद प्लान अच्छा एक मिमिक्री भी होती है एक मिमिक्री भी होती है मिमिक्री का मतलब तो सबको पता होगा जैसे स्कूल में तुम तो तो एक दूसरे के टीचर की मिमिक करते हो कि वो ऐसे करते हैं वो पढ़ाते समय ऐसे करते हैं चाहे तुम तो हमारी भी करते हो ठीक है तो मिमिक्री का मतलब बता होता है कॉपी करना ठीक है बहुत सारे लोग एक्टर एक्ट्रेसेस की मिमिक्री बहुत वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे कि उन्होंने डायलॉग बोला हुआ है अपनी किसी ना किसी रिस्पेक्टिव मूवी में मिविक मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना अब जैसे किसी को पता है कि मोनार्क बटरफ्लाई इज डिस्ट्रेसफुल उसको कोई खाना पसंद नहीं करता तो कोई और बटरफ्लाई उसका रूप ले सकती है उसको मिमिक कर सकती है उसको कॉपी कर लेगी तो वो भी देखने में मोनार्क बटरफ्लाई हो जाएगी तो कोई उसको पहचानी मतलब मतलब उसका असली रूप किसी को नहीं दिखेगा क्योंकि उसने तो अपने आपको मोनार्क बटरफ्लाई की जैसा कर लिया है ना तो उसको भी कोई खाएगा नहीं क्योंकि तो उसको लगेगा वो मनाक बटरफ्लाई है तो प्रकार होता है केस में है प्लांट्स के पास भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है जैसे अच्छा इनके पास डिफेंस मैकेनिज्म की क्या बात है इनको थोड़ी कोई खाता है खाते हैं ना कितने सारे ग्रेजर्स हैं कितने सारे ब्राउजर्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं हबी बोरस इनको अपने आप को बचाने के लिए और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है बेटा जो प्लांट को फीड करते हैं और प्लांट फीडिंग इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं फाइटोफैगस तुम्हारी की फिगर लिखती है कि नियरली 25 परसेंट ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फाइटोफेगस होते हैं तो प्लांट्स को भी तो अपने आप को बचाना है ना तो बचाने के लिए इनके पास जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है डिफेंस मैकेनिज्म ज प्रेजेंस ऑफ थॉन्स केमिकल्स जैसे कैलेट्रोपिस मदार का पेड़ पौधा सुना होगा आपने मदार के पौधे वाइट वाइट वाइटिश वाइट पर्पल कलर के फूल होता है ठीक है उसके उसके फूल को चढ़ाया भी जाता है शिवरात्रि में शिवजी के ऊपर शिवलिंग पर तो शायद आपने देखा होगा आई गेस देखा होगा तो आपको नाम नहीं पता होगा बहुत बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी होता है क्या करना उसके लिए मोबाइल है आपके पास अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करो ठीक है बाकी की चीज़ों से थोड़ा दूर हटो और अच्छी चीज़ों में उसको यूटिलाइज़ करो तो मैं सब चीज़ का इमेज मिलता है बेटा ठीक है तो कैलोट्रोपिस मदार उसमें कैसा केमिकल होता है आपने देखा होगा ना इसको तोड़ो तो मिल्की लैटेक्स निकलता है वो दूध नहीं है बेटा वो जहर है टॉक्सिन है तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे स्पीशीज को खाना नहीं पसंद करते जिनके पास मिल्की लैटेक्स है क्योंकि उनको पता है वो टॉक्सिन है खाएंगे खत्म हो जाएंगे ठीक है तो ये भी एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है ये निकोटिन कैफीन बेटा उन्होंने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाया था बट हम इंसान हर चीज़ को एक्सप्लोइ करेंगे तो वी हैव एक्सप्लोरिड फॉर आवर ओन पर्पस बट येस वो भी एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है एडाप्टेशन है प्रडेशन से बचने के लिए अब क्या करना है बेटा ये जो कहानी है इस कहानी को एन में पढ़ लेते हैं बिकॉज ये सारी कहानी है ठीक है कहानी को आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके अपने किताबों में सॉरी अपने नोट्स में और अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो तो प्रिडेटर अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा इसीलिए वो इतना एफिशिएंट नहीं होता ठीक है तो वो ओवर एक्सप्लॉयट कर देता है प्रे को और प्रे को ओवर एक्सप्लॉयट करने से प्रे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से प्रिडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा खाने की कमी की वजह से इसी रीजन की वजह से प्रिडेटर के नेचर को प्रूडेंट कहा गया है क्योंकि वो कभी भी अपने प्रे स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉयट ही नहीं करता इतना शातिर है वो अप्रे स्पीशीज़ के पास भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं प्रिडेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जैसे कुछ स्पीशीज कैमो शो करते हैं जिसमें क्रिप्टिकली कलर्ड अपने क्रिप्टिक अपियरेंस को चेंज कर लेते हैं जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था कुछ पॉइजनस होते हैं इसीलिए दे आर अवॉइडेड उनके पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको पॉइजन बनाते हैं मोनार्क बटरफ्लाई एक हाईली डिस्टेस्टफुल होती है किसी को स्वाद ही नहीं आता किसी को इसीलिए इसको खाता नहीं क्यों क्योंकि इसके पास special chemical होता है है में और ये chemical इसने कब किया था देखो लिखा हुआ बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इटर पिलर स्टेज जब उसने क्या खा लिया था पॉइजनस वीड सॉरी खा लिया था ठीक है प्लांट्स में भी हरबी वोर्स प्रीडेटर्स होते हैं सबको पता है और 25 परसेंट इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर क्योंकि एनिमल्स तो भाग सकते हैं ना बेटा एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स तो भाग भी नहीं सकते उनके पास थोड़ी हाथ पैर है ठीक है दे के नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रिडेटर्स प्लांट्स देयर हैव इवॉल्व एस्टोनिशिंग वराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मॉर्फोलॉजिकल में वो कांटे वगैरह आ जाएंगे केमिकल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था मदार वाला थॉर्न्स कैल्शियम में प्रेजेंट होते हैं कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल तरीका ऑफ डिफेंस बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड केमिकल्स को स्टोर करते हैं जो हरबी को बीमार कर देता है अगर कोई हरबी ऐसे प्लांट को खाएगा

इसी वजह से इस प्लांट को कोई नहीं खाता आपने किसी जानवर को उसको खाते हुए नहीं देखा होगा इस पर लिखा हुआ है कोई कैटल कोई गोट उसको फीड उस पर फीड नहीं करता अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से ऑन अ कमर्शियल स्केल चाहे वो निकेटिन हो जाए कैफीन हो जाए क्वीनिन हो जाए स्ट्राइकिन हो जाए ओपियम हो जाए और प्रोड्यूसड बाईम एक्चुअली फॉर देयर डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स ये सब उन उन्होंने अपने अडेप्टेशन के लिए बनाया था अपने आप को बचाने के लिए बनाया था और जैसा कि आपको पता है इनका बहुत जगह पर और और, और यूजेस में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो ये बात हो गई प्रिडेशन की तो यू कैन सी एवरी थिंग इज रिटन इन दैराग्राफ बट आई हैव एक्सप्लेन इन द पॉइंट वाइज ठीक है तो ये भी हमने पढ़ लिया नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म के बारे में आपने थोड़ा बहुत जोलॉजी में भी पढ़ा होगा जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट पढ़ते हो प्लाज्मोडियम के बारे में जो मलेरिया कॉजिंग है है ना तो आपको थोड़ा बहुत पैरासाइट क्या होते हैं क्या अडाप्टेशन शो करते हैं आप इनसे फेमिलियर हो गए बहुत छोटी सी चीज है दो ही अब रह गया है आपको टाइप डी मिलेगा बिकॉज इट्स ऑल थ्योरी कंटेंट तो पैरासिज्म क्या होता है इसमें एक ही स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है जिसको बेनिफिट मिलता है वो पैरासाइट अब जैसे सर पे जुबे हो जाते हैं बेटा तो पैरासाइट को तो फायदा मिल रहा है हमारा खून चूस के हमें क्या फायदा मिल रहा है उनको रख करके नहीं बट फिर भी आ जाते हैं वो तो जिनको फायदा मिल रहा है वो पैरासाइट जिनका फायदा उठा रहे हैं जैसे हम हम बन जाते हैं होस्ट तो ये भी कैसा है बेटा जिसका फायदा उठा रहे हैं ठीक है ठीके? जिसका फायदा उठा रहे हैं हमारे लिए तो माइनस ही है उनको फायदा प्लस ठीक है नेक्स्ट बहुत सारे पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम होस्ट स्पेसिफिक है है ना हमारे सर के जुए होस्ट स्पेसिफिक हैं Both and tend to रहता है उसको भी अपने आपको चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज काम कैसे बनेगा अगर वो अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगा जिस भी स्पीशीज पे वो रह रहा है तो को इवल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो एक पैरासाइट को पैरासाइट बनने के लिए क्या अडेप्टन शो करनी पड़ती है तो देखो उनका जो फालतू का सेंस ऑर्गन है उनको हटाना पड़ता है क्योंकि उनको किसी और बॉडी के अंदर जाकर के रहना है तो फालतू के अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स हटा देते हैं इनके पास कुछ सकर्स होते हैं जैसे कि वो होस्ट बॉडी से चिपक सके उनको इफेक्ट इफे इन्फेक्ट कर सके तो हैव एडहेसिव ऑर्गन्स या suckers या सो so वो उस पे चिपक सके क्लिंग ऑन टू द होस्ट इनका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म सारा चीज तो वहीं से निकाल लेंगे न्यूट्रिशन तो वहीं से ले लेते हैं मल्टीपल टाइम्स ठीक है भर -भर times, तो एफिशिएंट रिप्रोडक्शन वाइज बहुत एफिशिएंट होने चाहिए ये एक प्रिडेटर ठीक है और लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए कभी कभार तो एक से ज्यादा होस्ट भी रखते हैं जैसे ये प्लाज्मोडियम एक हम होस्ट है और एक वो मच्छर फीमेल आना फलीस ठीक है अब ये वाला पॉइंट तो आगे गलती से टाइप्ड हो चुका है यहाँ पर ठीक है अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ है इम्पैक्ट क्या होता है पैरासाइट का होस्ट पर पॉइंट टाइप हो चुका है यहाँ पर ठीक है तो देखो क्या होता है बेटा अगर पैरासाइट जरूरत से ज्यादा खतरनाक है बहुत डेडली है तो बेटा होस्ट की जान भी ले सकता है अब वायरस वैसे तो वो ज़िंदा नहीं है बट वो अगर हमारे अंदर आ जाए एज अ होस्ट मैं वायरस को एज अ पैरासाइट नहीं बोल रही हूँ बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो जब इन्फेक्ट करता है तभी वो लिविंग कहलाता है और हमारी जान भी तो ले लेता है कितने सारे मच्छर है बेटा और जब ये डेंगू कॉज करते हैं डेंगी कहते हो आप जिनको ठीक है तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो प्लेटलेट्स बहुत घट जाएं तो मर भी तो सकते हैं ना तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना अगर बहुत डेडली हो तो सर्वाइवल पे भी क्वेश्चन उठ सकता है मतलब सर्वाइवल पे भी ये वो कर सकते हैं मार सकते हैं होस्ट को दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ़ द होस्ट और अगर कोई बंदा बीमार है बेटा मान लो उसको आ, मलेरिया हो रखा है उस टाइम पर बहुतों तो को आपने देखा होगा मलेरिया के साथ आ, एक लिव प्लस मतलब लिवर वाली एक दवाई देते हैं एक लिवर को ठीक रखने के लिए क्योंकि उस टाइम पे लेवर पर बहुत इन, आ, सिवियर इफेक्ट होता है दूरिंदी मलेरिया और बहुत लोगों को बेटा उस टाइम जॉन्डस हो जाता है सुना भी होगा और ये जो मलेरिया और जॉन्डस वाला अगर सीवियर हो जाए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो बंदे की डेथ भी हो जाती है मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस सुने शायद आपने भी सुने होंगे तो एक तो मलेरिया जिसने कॉज किया पैरासाइट उसने जान भी ले ली प्लस उस टाइम पर आपकी इम्यून सिस्टम कितनी कमजोर है आपको और बीमारी भी लग सकती हैं आप हेल्दी नहीं हो आप फिट नहीं हो देर फॉर यू आर प्रोन टू अदर डिजीजेज एज वेल ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है दे मे रिड्यूस दी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दी होस्ट जब बंदा बीमार है बेटा तो क्या ग्रोथ हो रही होगी क्या रिप्रोडक्शन कर पाएगा वो उस टाइम पर ठीक है पैरासाइट्स दे आल्सो रिड्यूस दी होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मरते चले जाएंगे होस्ट तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो घटेगी ना दे रेंडर होस्ट मोर वनरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट्स फिजिकली वीक मान लो बेटा कोई होस्ट है ठीक है उस पर एक पैरासाइट का अटैक हुआ है उसने उसको इतना कमजोर बना लिया है कोई बीमारी कॉज कर दी उसको पता है उसको कोई खाने आ रहा है बट वो भाग नहीं पा रहा है जब आप बीमार पड़ते हो आपको मलेरिया होता है तो आप कितने फिजिकली वीक होते हो इतना वीकनेस होता है बेटा आप कुछ काम कर पाते हो नहीं आपको लगता है बस दिन भर लेटा बिकॉज सिर्फ फिजिकली अनवेल ऐसा होता है सबके साथ सर्दी जुकाम में भी होता है बेटा ठीक है तो आप आपको कोई और बीमारी भी हो सकती है जानवर के यहाँ के लिए लिखा हुआ है कि अगर फिजिकली वीक होगा इतना अनफिट होगा तो वो भाग भी नहीं पाएगा और जो प्रिडेटर आ रहा है वो उसको आने देगा और खा जाएगा उसको ठीक है ये भी पॉइंट पिछले स्लाइड का कॉपी हो गया है गलती से तो ये चार इंपैक्ट हैं पैरासाइट के होस्ट पर जो एनसीआरटी लिखती है अब एनसीआरटी टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट बताती है डिपेंडिंग वो होस्ट के ऊपर रह रहा है रह 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 रह, या होस्ट के अंदर रह रहा है तो आप इससे फेमिलियर हो बेटा एक्टो पैरासाइट एक्टो का मतलब ऊपर जब कोई पैरासाइट होस्ट के ऊपर जैसे लीच चिपक जाती है ना खून खाती है गंदा वाला ठीक है खून चूस लेती है तो वो क्या है बेटा एक्टो पैरासिटिज्म है और ऐसे पैरासाइट्स को एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं तो दे फीड ऑन दी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे सर के ऊपर जो जुए होते हैं बेटा वो भी एक तो पैरासाइट है ठीक है अब मैं आपको दिखाती हूँ टिक्स ऑन डॉग्स जो घर में जिनके पेट्स होंगे बेटा उन्होंने देखा होगा ठीक है नलाते वगैरह हो ना कुत्तों को अपने बहुत डॉग लवर्स होंगे शायद मेरे अभी जो लेक्चर सुन रहे होंगे उन्होंने देखा होगा ये देखो ये वाला पैरासाइट जो डॉग के ऊपर दिखाई दे रहा है मछलियों में जो दिखता है कोपोपॉट्स जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पर ठीक है इन्होंने देखो दिखाया भी हुआ है लेबल करके उसके बाद ये देखो अमरबेल बोलते हैं ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेड़ों के ऊपर लग जाता है ठीक है तो ये क्या है बेटा दिस ऑल्सो पैरासिटिक प्लांट क्योंकि दूसरे पेड़ के ऊपर लग रहा है ये भी एक प्रकार का एक्टो पैरासाइट है अच्छा मैं आपको बोल रही थी ना मदार सबने देखा होगा ये है तो देखा होगा शायद सबने ठीक है अपने आसपास तो ये देखो मैंने आपको पैरासाइट्स के एग्जाम्पल बताए हैं ये कैसे पैरासाइट्स हैं टिक्स दिखाया डॉग्स के ऊपर जो होते हैं कोपोर्स दिखाया जो मरीन फिश के ऊपर होते हैं कस्कुटा ये अमर बेल होता है ये भी तुमने देखा और सुना होगा ये भी एक प्रकार का एक्टोपैरासाइट है दूसरा जब शरीर के अंदर रहे तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा एंडो पैरासाइट्स क्या कहते हैं हम एंडो पैरासाइट्स तो देखो क्या लिखा हुआ है ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं आप किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं तो इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी क्योंकि डिपेंड करेगा होस्ट कौन सा है ठीक है दे हैव हाईली सिंप्लीफाइड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल फीचर इनकी एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी सिंपलीफाई होगी बिकॉज दे आर लिविंग इन साइड दी अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इज पैरासाइट ठीक है दे मेनली इंफोसाइज ऑन द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे ज़्यादा अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे ही फोकस करते हैं बिकॉज अंदर जाएंगे जितना ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा इंपैक्ट कॉज होगा ना हॉस्पेंड को बड़ा मजा आता है तो प्लाज्मोडियम इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाटॉप आपने अच्छे खासा लेक्चर uh, अटेंड किया होगा आपको पता है ठीक है प्लाज्मोडियम अब क्वेश्चन uh, पूछती है एन जिसका जवाब मैं दूंगी कि जो फीमेल एनोफलिस होती है मॉस्किटो हम उसको प्लाज uh, 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 हाँ फ़ीमेल जो मॉस होती है मॉस्किटो हम उसको एज अ पैरासाइट कंसिडर क्यों नहीं करते तो सोचो क्या होगा आंसर बेटा पैरासाइट कंसिडर करने के लिए कुछ तो टाइम स्पेंड करो हमारे ऊपर ठीक है कुछ तो आओ थोड़ा टाइम तो रहो वो तो आती है काटती है इन्फेक्ट करती है चली जाती है तो इसका आंसर ये होता है कि फीमेल मॉस्किटो को तो सिर्फ हमारा ब्लड चाहिए ठीक है ब्लड प्रोटीन्स अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये एज अ पैरासाइट कंसिडर नहीं होती क्योंकि इट नेवर स्पेंड्स इवन अ शॉर्ट ड्यूरेशन एज अदर पैरासाइट्स डू आप देखो मच्छर आता है आप मारने में भाग जाता है स्पेंड ही नहीं करता हमारे साथ टाइम वो थोड़ा स्पेंड तो करे तभी तो पैरासाइट का दर्जा मिलेगा दैट इज वाई फीमेल मॉस्किटोज एनाफोलीज द नॉट कंसिडर टू बी एज अ पैरासाइट ठीक है नेक्स्ट एक बहुत स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म देखा जाता है जिसका नाम है ब्रूड पैरासिटिज्म थ्री एडियट्स की मूवी तो बच्चों बच्चों ने देखी होगी बच्चे के बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं सब ने देख रखी है मैंने भी देख रही नॉट वंस बहुत बार देख रखी है और शायद सब उस मूवी को बहुत पसंद करते होंगे है ही इतनी मज़ेदार अभी भी दिखा लो अभी भी देख सकते हैं ना तो वो डायलॉग भी सबने देखा होगा जब नए नए बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं सबको बुलाया जाता है तो वहाँ का प्योन कहता है ना मिलीमीटर मीटर नाम रहता है शायद उसका मिलीमीटर यस कि जल्दी से आ जाओ वायरस इज कमिंग तो वीरू शास्त्र बुद्धि जी आते हैं सारे बच्चों को बुलाते हैं एंड अपना एक भाषण देते हैं ना लाइफ इज अ रेस विच इज ट्रू अगर भागोगे नहीं कॉम्पिटिशन नहीं शो करोगे तो यू वीड वी लाइक ब्रोकन अंडा ठीक है और वो अंडा किसके गिराता है पूछता है नहीं किसके अंडे हैं तो क्योंकि वो घोसला किसका होता है कौवो का तो सारे बच्चों को लगता है वो कौव के ही अंडे हैं है ना नहीं को नहीं सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ कौए नहीं सबने एक बच्चे ने जवाब दिया था कि कोयल के अंडे हैं कोयल का है है वो ठीक तो उसने क्या जवाब दिया था कोयल तो अपना घोसला बनाती ही नहीं है यस yes, कोयल अपना घोसला कभी नहीं बनाती तो अब बात यह है वो अपने अंडे को रखती कहाँ है कोयल बर्ड अपने अंडे को क्रो के घोसले में रखती है कौवर के घोंसले में रखती है ठीक है और जब उसके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो कौ के जो क्रो के अंडे होते हैं उनको ढकेलते हुए नीचे गिराते हुए इस तरीके मतलब जिन्होंने उसका ख्याल रखा अब तुम सोच रहे हो कि मैम कौए कोकल कुकू कुकू बर्ड के बच्चों का ख्याल क्यों ही रख रही है क्योंकि उसके जो अंडे होते हैं ना वो काफ़ी रिजेंबल कर रहे होते हैं क्रो के अंडे से तो क्रो को लगता है उसके ही एग हैं उसके ही बच्चे हैं तो उसका अच्छे से पोषण देखभाल करती है एज सुन एज जब कुकू बर्ड के बच्चे बाहर आते हैं दे आर वेरी स्मार्ट कुकू बर्ड की तरह कोयल बर्ड की तरह उनके बच्चों को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कॉम्पिटिशन से ही बाहर कर देते हैं तो so, यस yes, ये जो एक प्रकार का पैरासिटिज्म दिखाई देता है कुकू बर्ड और क्रो के बीच में ये एक ब्रूट पैरासिटिज्म है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि डिफाइन करो ब्रूट पैरासिटिज्म तो ये एक प्रकार का पैरासिटिज्म है जो बर्ड्स में दिखाई देता है पर एक पैरासिटिक बर्ड कौन सी पैरासिटिक बर्ड बेटा कुकू बर्ड अपने अंडे को कुकू तेरी बोली कुकू कुकू कु, कु, सबने सुना होगा ना तो कुकू बर्ड इज कोयल बर्ड इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट होस्ट कौन है बेटा क्रो क्रो का घोसला और एंड लेट्स दी होस्ट इनक्यूबेट देम और इनक्यूबेट मतलब उनका ख्याल रखे वो अंडों का जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते इनक्यूबेशन पीरियड ठीक है इस प्रकार के पैरसिज्म को ब्रूट क्या है बेटा लास्ट इंटरैक्शन है अमेंसलिज्म अमेंसलिज्म क्या होता है इसमें तेरा घाटा कुछ नहीं जाता पहले पढ़ाया था ना वन ऑर्गेनिज्म इज हार्ड अदर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो देखो क्या लिखा हुआ है इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन दो ऑर्गेनिज्म जब आए पेपर में पूरा का पूरा उठा करके लिख देना है पॉइंट वाइज एक स्पीशीज इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज क्या सिक्रीट करके केमिकल सिक्रीट करके जो ऑर्गेनिज्म इनिबिट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसको अमेंसल कहते हैं जैसे पेंसिलियम एक एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है केमिकल दिट इज पेंसिलिन अब ये केमिकल क्या करता है इट द ग्रोथ ऑफ इसका यूज किस लिए किया जाता है इट इनिबिट्स दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ तो इनिबिट हो गई बैक्टीरिया का तो बेटा घाटा हो गया इन रिटर्न इनको कुछ मिला नहीं माइनस जीरो एमेंसलिज्म इसका इनिबिशन क्यों हुआ केमिकल की मदद से सिमिलरली जितने भी एंटीबायोटिक्स जैसे स्टेप्टोमाइस स्टेप्टोमाइसिस एक प्रकार का एक्टिनोमाइस है

फिर देखो जो रूट्स है ब्लैक वॉलनेट की ब्लैक वॉलनेट का साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है ये एक प्रकार का केमिकल सिक्रिएट करती है जुगलोन ये क्या करता है बेटा एप्पल और अल्फा अल्फा के प्लांट्स की स्पीशीज के लिए टॉक्सिक है तो ये मर भी सकते हैं इनकी ग्रोथ इनहिबिट भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल विच इज दिस प्लांट सिक्लांट ये एक स्पीशीज है बेटा ये वीट के ग्रोथ को uh, इनहिबिट कर सकता है बाई सिक्रेटिंग केमिकल तो इस प्रकार की पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा दिस इज कॉल्ड एज एमेंदाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ठीक है अब नेक्स्ट इकोलॉजी के चैप्टर के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपने क्या करना है फटाफट बत रिवाइज कर लो वैसे हमने सारा एनसीआर टी कवर कर लिया है मैंने आपको रीडिंग में लगा दिया था जहाँ पर आपको समझना था आपको बस प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर ठीक है जान से पहले रिवाइज जरूर करना क्वेश्चन फिर से रिवाइज करना क्वेश्चन फिर से करना बिकॉज क्वेश्चन वाइज से ही आते हैं वहीं से आते हैं हाँ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर बेटा बाय बाय